हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के द्वारा नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को दबाना न भूलें। गोवा में जो आतंक के दाग लगाने की इन्होंने कोशिश की है, उस पाप से ये बच नहीं पाएंगे। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के खंडवा में पीएम मोदी की रैली। पीएम मोदी ने कहा, मैं 5 वर्ष की अपनी ईमानदारी और निष्ठा को लेकर मैदान में हूँ, और महामिलावटी झूठ प्रपंच के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरा काम है और उनके साथ उनके कारनामे हैं। हमारा देश गलती माफ़ करता है, लेकिन झूठ और विश्वासघात को कभी माफ़ नहीं करता। यही इनके 70 साल से काम करने के तरीके हैं। पहले झूठ बोलो और सरकार बनाओ, और जब जनता सवाल करे तो कह दो झूठ बोला तो बोला, हुआ तो हुआ। देखिए ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी का एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथों उठाकर जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान जी से, वो आए और स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। बोलो भारत माता की। छेगांव माखन के इस विराट सभा को संबोधित करने, हमें आह्वान करने के लिए आज हमारे बीच इस देश के महानायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच उपस्थित है। आज वो हस्ती हमारे बीच है जिनको सुनने के लिए दुनिया के कान तरसते हैं। आज वो हस्ती हमारे बीच है जिनको देखने के लिए दुनिया बेताब रहती है। ये मेरे निमाड़ के धरती का और यहां आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का ये परम सौभाग्य है कि आज वो महानायक हमारे बीच हैं। मैं इस धरती पर, धुनी वाले दादाजी के धरती पर, सिंगा महाराज की धरती पर उनका स्वागत करता हूं, और यह विश्वास दिलाता हूं यहां पर बैठा हुआ एक एक भाई, एक एक बहन ये कसम लेने के लिए आए हैं आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हमारे लोकसभा क्षेत्र के एक एक गांव में पसीना बहाकर राष्ट्र निर्माण के उस आहुति में, आपको प्रधानमंत्री बनाने के उस आहुति में खंडवा लोकसभा की सीट भी आपके झोली में यहाँ की जनता देगी। आपके आने के लिए हम सब लोग आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और जो आतंक के दाग लगाने की इन्होंने कोशिश की है, उस पाप से ये बच नहीं पाएंगे। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के खंडवा में पीएम मोदी की रैली। पीएम मोदी ने कहा, मैं 5 वर्ष की अपनी ईमानदारी और निष्ठा को लेकर मैदान में हूँ, और महामिलावटी झूठ प्रपंच के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरा काम है और उनके साथ उनके कारनामे हैं। हमारा देश गलती माफ़ करता है, लेकिन झूठ और विश्वासघात को कभी माफ़ नहीं करता। यही इनके 70 साल से काम करने के तरीके हैं। पहले झूठ बोलो और सरकार बनाओ, और जब जनता सवाल करे तो कह दो झूठ बोला तो बोला, हुआ तो हुआ। देखिए ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 की रिपोर्ट। उलझे हुए हैं तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करोगे? मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगे? ये जो पंडाल पे चढ़ गए हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप नीचे आइए। उधर भी सब ऊपर जो है नीचे आ जाइए। देखिए, आपको अगर कुछ भी हुआ तो मुझे इस विजय का आनंद नहीं आएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत समझदार लोग हैं आप। बोलो ओमकार महाराज की, नर्मदा मैया की,
सिंगा महाराज की, ब्रह्मगिरी महाराज की, धूनी वाला दादाजी की, निमाड़ का, खंडवा का हमेशा से मुझ पर भरपूर प्यार रहा है। आपका यही आशीर्वाद मेरी ताकत बना है और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है फिर एक बार, पूरा देश कह रहा है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, इस प्यार और विश्वास के दो स्पष्ट कारण है। एक, मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड, और दूसरा कांग्रेस और उसने के महामिलावटियों का टेप रिकॉर्ड। मैं 5 वर्ष की अपनी ईमानदारी और निष्ठा को लेकर मैदान में हूं और महामिलावटी झूठ प्रपंच इसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे काम है और उनके साथ उनके कारनामे हैं। साथियों, देखिए दोस्तों, अब ये जगह कहीं बची नहीं, आप कहां जाओगे? आप दूर भी हैं फिर भी मैं आपका प्यार अनुभव कर सकता हूं। आपको आगे आने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपका इतना प्यार ही तो मुझे यहां तक खींच के लाया है। जब मैं आपके पास आया हूं तो आप पीछे से आगे आने की कोशिश मत कीजिए, शांति से खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। देखिए, आपका ये प्यार, ये उत्साह, ये जोश, ये अपनापन, सब कुछ मेरे सर आंखों पर। लेकिन अब मैं बोलना शुरू करूं, आपका प्यार इतना है, अब करे तो क्या करे, रोक भी नहीं सकते आपको। ये आपका प्यार, ये आपका उत्साह उन लोगों की नींद खराब कर रहा है। तीसरे चरण के बाद उनका चेहरा देखा है कि नहीं देखा है? तीसरे चरण में ही पता चल गया उनका खेल। भाइयों बहनों, यहां कांग्रेस ने किसानों से उनका कर्ज माफ करने को कहा था ना, क्यों ठंडे पड़ गए आप लोग? कांग्रेस ने कर्ज माफ करने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? 10 दिन में कर्ज माफ करने का कहा था कि नहीं कहा था? 1 से 10 की गिनती मध्य प्रदेश को सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? और सीएम नहीं, कर्ज माफ नहीं तो सीएम को माफ नहीं करने का कहा कि नहीं कहा? 10 दिन पूरे हो गए क्या? 20 दिन हो गए? 40 दिन हो गए? 80 दिन हो गए? 120 दिन हो गए? हुआ क्या? किसानों का कर्ज माफ हुआ क्या? कांग्रेस के
झूठ और वादा खिलाफी की ये जीती जागती सच्चाई है। और इस बार सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस को साफ करेगा ऐसा नहीं, लेकिन कांग्रेस के इस कारनामों के कारण मध्य प्रदेश की खबर पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गई है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश उनको हरा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि हमारा देश गलती माफ करता है, झूठ और विश्वासघात को कभी माफ नहीं करता है। यही इनके 70 साल से काम करने का तरीका है। पहले वोट के लिए झूठ बोलो, जैसे तैसे सरकार बनाओ, और जब जनता सवाल करे तो कह दो झूठ बोला तो बोला, हुआ तो हुआ। आपने देखा ना कांग्रेस के नेता ने क्या कहा, हुआ तो हुआ, यानी कुछ लेना देना ही नहीं, हुआ तो हुआ, झूठ बोला तो बोला, किसान को मुख्य बनाया तो बनाया। साथियों, ये चुनाव गरीबों के लिए, दिन रात मेहनत करने वाले हम लोग, और सामने अहंकार में डूबकर हर बात पर हाथ ऊपर कर देना और यही कहना हुआ तो हुआ, हमारे सामने ये लोग हैं जो हुआ तो हुआ की सोच रखते हैं। हमने गांव गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया, दूर सुदूर को नेशनल हाईवे और रेलवे से जोड़ने का काम किया, हर गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिले, हर बहन बेटी को शौचालय की सुविधा मिले, गांव गांव घर घर तक बिजली पहुंचे, हर गरीब बहन के घर पर रसोई का चूल्हा रसोई का गैस चूल्हे में पहुंचे, हर गरीब परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज मिले, इसके लिए हमने 5 साल पूरी ईमानदारी से दिन रात काम किया है। और यही सबका साथ सबका विकास है, जिस पर हमारा विश्वास है। भाई और बहनों, लेकिन कांग्रेस वालों की क्या सच्चाई है ये भी जान लीजिए। 1984 में सिखों के साथ अत्याचार हुआ, कत्लेआम हुआ, और ये कहते हैं हुआ 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 तो हुआ। और जो 84 के दंगों में जनता की नजरों में गुनहगार है, जिसको पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया तो पंजाब कांग्रेस ने हाथ जोड़कर कहा इसको ले जाओ वरना पंजाब में हम खत्म हो जाएंगे, तो वहां से ले गए, आपके ऊपर थोप दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। ये है कांग्रेस। भोपाल में हजारों लोगों को जहरीली गैस के हवाले कर दिया गया, कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया गया, इस कांड के गुनहगार को भगा दिया गया, सरकारी विमान में ले जाया गया। अगर आज उनको पूछोगे कि इन हजारों लोगों को मरवा दिया तो ये तो यही कहेंगे हुआ 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 तो हुआ, लोग मरे तो मरे, इनको कोई लेना देना ही नहीं है। साथियों, 2014 से पहले इनकी कमजोरी के कारण, तुष्टिकरण की नीति के कारण,
आतंकवाद ने हजारों जाने ली, आज ये कह रहे हैं हुआ 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 तो हुआ तो। भाइयों और बहनों, देश के मशहूर गायक किशोर कुमार जी तो इसी धरती के सपूत थे, और जब भी किशोर कुमार का नाम आता था तो लोग खंडवा का जिक्र जरूर करते थे और बड़े गर्व से करते थे। इमरजेंसी के दौरान वे कांग्रेस के दबाव में नहीं आए, वो अपने उसूलों पर अड़े रहे। कांग्रेस ने आपातकाल में देश को जेल खाना बना दिया था, वो उनको मंजूर नहीं था। बदले में ये कांग्रेस ने खंडवा के सपूत किशोरदा के गानों पर रेडियो पर बजाने पर रोक लगा दी थी। तब तो टीवी नहीं था, रेडियो था, बंद कर दिया था। अगर आज खंडवा का कोई व्यक्ति कांग्रेस को पूछेगा कि भाई तुम वोट लेने तो आए हो, तुम्हें हमारा वोट तो चाहिए, लेकिन क्या किशोर कुमार खंडवा के थे, तुमने किशोर कुमार के साथ ये किया था, तो जवाब में क्या कहेंगे? अरे छोड़ो यार, हुआ तो हुआ, यही कहेंगे ना, हुआ तो हुआ तो। भाइयों और बहनों, इनके काम करने का तरीका क्या है ये भी समझिए। पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी जब यहां हमला करते थे तो ये निर्दोषों को जेलों में ठूंस देते थे। भाइयों और बहनों, हिंदू आतंकवाद का कुतर्क करने के लिए, हमारी महान परंपरा को बदनाम करने का जो गंभीर षड्यंत्र, और वो भी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन्होंने किया है, उसी का जवाब आज इनको मिल रहा है। ये कितने भी हवन करा दे, ये कितने भी जनौ दिखा दे, ये पुलिस को भी भगवा ड्रेस भी सिलवा दे, लेकिन भगवा में जो आतंक के दाग लगाने की उन्होंने कोशिश की है, साजिश की है, उस पाप से ये कांग्रेस या महामिलावटी कभी नहीं बच पाएंगे। भाइयों, भाइयों और बहनों, इन खोटी नीयत वालों से सावधान रहना जरूरी है। इनको अगर जरा भी मौका मिला तो ये भारत की रक्षा सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे। भाइयों और बहनों, देश सुरक्षित नहीं होगा तो विकसित भी नहीं होगा। विकास के लिए पहली शर्त सुरक्षा होती है। मिलावटी सरकार, खिचड़ी सरकार तो सुरक्षा बिल्कुल नहीं दे सकती। आप यहां मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, यहां एक ही पार्टी के ढाई सीएम है, ढाई 2.5। प्रशासन को पता ही नहीं चलता कि किसका आदेश मानना है। गुंडों, हत्यारों और डकैतों को खुला लाइसेंस दिया गया है। अपने अपने गुटों के हित में यहां प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उद्योगों के नाम पर एक ही उद्योग चल पड़ा है, तबादला उद्योग, ट्रांसफर उद्योग। जब एक ही दल की खिचड़ी में ये हाल हो सकता है, तब दिल्ली में दो दर्जन लोगों की खिचड़ी का ये क्या गुड़ खिलाएंगे, देश का क्या हाल करेंगे, ये मध्य प्रदेश वाले आसानी से समझ सकते हैं।